हाय एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए एक नया एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट लेकर आई हूँ जो कि एमपी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, उन सब बच्चों के लिए जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो अब क्या करें। सो जो भी आपने नीट के लिए प्रिपरेशन करी है ना, उस प्रिपरेशन का आप यूज़ इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए कर सकते हैं। ये एक्चुअली में एक एंट्रेंस टेस्ट है जो कि आपको एमपी के कॉलेजेस में एडमिशन दिलाएगा कुछ पर्टिकुलर कोर्स के लिए। अगर आप इस PVFT का फुल फॉर्म देखते हैं तो यह प्री वेटरनरी एंड फिशरी एंट्रेंस टेस्ट है। सो लेट्स सी इसके बारे में कुछ और जानते हैं। सो ये एक स्टेट लेवल का वेटरनरी एंट्रेंस एग्जाम होता है। एमपी इसको, जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इसको ऑर्गेनाइज करता है। इसके थ्रू आपको बैचलर डिग्री मिलेगी वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्रीज में, और आपको इसमें फिशरी साइंस में भी बैचलर डिग्री मिलेगी। ओके, सो इसके आगे अपन प्रोसीजर देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन फ़ीस है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, और भी चीज़ें देखते हैं। सो अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो अनरिजर्व के लिए 400 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 200 है, एंड इसमें ओबीसी के लिए भी 200 ही है। बैकलॉग के लिए कुछ भी नहीं है। ये पोर्टल चार्जेस है 60 रुपीज़ और सिटीजन यूज़र चार्जेस 20। सो पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा और एप्लीकेशन मोड भी ऑनलाइन ही रहेगा। आप एमपी पोर्टल पर जाके या एमपी ऑनलाइन पर जाके ये फॉर्म फिल करवा सकते हैं। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स? अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो एक्चुअली में जो स्टार्ट हो चुके हैं ये फॉर्म 7/6 से चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन और इसकी वो है 21 है, एंड करेक्शन ऑफ एरर के लिए आपकी 26 तक है, और डेट जो है एग्ज़ाम की वो है 25/7 नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख इसकी डेट है। ओके, सो व्हाट इज एन एज लिमिट? एज लिमिट क्या होनी चाहिए? मिनिमम 17 ईयर्स होने चाहिए, एंड साथ ही साथ कुछ एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है उसके लिए। मैं आपको नोटिफिकेशन, यस, एंड साथ ही साथ जो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। उसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, तो अब वहाँ से मेरी इस चीज़ की PDF ले सकते हैं, नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन विच यू नीडेड? तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको 10+2 या कि आप 12th पास होने चाहिए। ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम पैटर्न? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एन एग्जाम पैटर्न। क्या होगा एग्जाम पैटर्न? अब एग्जाम पैटर्न ये है आपके सामने। सो सी, देयर आर 4 सब्जेक्ट्स है, बटानी, जूलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। इन सब में से 100 क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ मार्क्स 100 होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स मिलेंगे, एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो ऑनलाइन मोड रहेगा, CBT मोड में रहेगा, 120 मिनट्स यानी कि वही 2 घंटे का रहेगा। आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में मिलेगा, एंड ये एग्जाम 2 शिफ्ट्स में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ओके, देन एग्जाम सेंटर्स की बात करते हैं तो आपको भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एंड इंदौर, इन 4 जगह पे आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिलेंगे। एंड व्हाट इज एन एग्जाम स्केड्यूल? तो अगर आप स्केड्यूल देख रहे हैं तो एग्जाम जो है 25 से चालू हो जाएगा, 2 शिफ्ट्स में होता है एग्जाम, एक मॉर्निंग और आफ्टरनून में होगा। सो मॉर्निंग में 7 to 8 आपका रिपोर्टिंग टाइम जो दिया जाता है, उसी रिपोर्टिंग टाइम में आपको वहाँ पे पहुँचना है। अगर आप 8 बजे के बाद पहुँचेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। देन आफ्टरनून में 1 to 2 रिपोर्टिंग टाइम है। देन इंस्ट्रक्शन रीडिंग टाइम आपको 10 मिनट्स दिया जाएगा, और एग्जाम की टाइमिंग 9 बजे से चालू हो जाएगा, तो 10 बजे तक रहेगा मॉर्निंग में, एंड आफ्टरनून में 3 से 5 बजे तक चलेगा। ओके, सो फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल लिंक, सो यू कैन ज्वाइन दिस फॉर द PDF ऑफ दिस नोटिफिकेशन। एंड अगर आपको ये पसंद आया है तो एक और एग्जाम है एमपी का ही, जो कि एक पैट है, एमपी पैट प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे मेरे चैनल को। सो थैंक यू एंड बाय बाय।